तेलपा पंचायत में जहाँ पे अभी उपस्थित है मेरे साथ सोलभ कुमारी जी, मैं उनसे बात करूंगा कि उनका जो जन सैलाब है इसका मेन उद्देश्य क्या है। आप अपना परिचय देंगे, आप अपना नाम बताएंगे? मैं सोलभ कुमारी शहर तेलपा पंचायत से। आप ये बताएंगे कि आपके साथ जो जन सैलाब उभरे हुए हैं, जो समर्थन है, इसका मेन वजह क्या है? काम किए हैं, जनता का विश्वास है। अच्छा अच्छा, यानी आपका विश्वास है लोगों को, आप पहले से सहयोग के जिसकी वजह से जन चला है आपके साथ, और सहयोगी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बताइए अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार है। आप अरविंद जी, इस सोलभ कुमारी के बारे में क्या आप जानते हैं? सोलभ कुमारी जी जो 20 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाए हैं। यहाँ की जनता इनके साथ में है और पूरी ताकत के साथ में है। जो काम छूटा है उसके लिए भी इन लोग काम करके दिखाएंगे, थोड़ा बहुत बैलेंस है। अभी जो काम किया अभी कोई इतना काम करके नहीं दिखाया है। वर्तमान इस क्षेत्र का प्रत्याशी थे? इस प्रत्याशी थे। और जो है आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ और हमारे पंचायत में जो इस 5 वर्षों में जितना इन्होंने काम किया उतना पिछले 20-25 वर्षों में जितना हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ था। और इस विकास का यह जो नियम है, विकास के चलते ही यह जो पूरा पंचायत का जन सैलाब है, ये हमारे मुखिया प्रतिनिधि सोलभ कुमारी और पति सुरेंद्र यादव के सहयोग में तो पूरा जनता जो है इनके समर्थन में एकदम जो है सो तत्पर रहेगा। सुरंजन यादव जी मेरे साथ उपस्थित है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। फिर आप ये बताएंगे आपने अपनी क्षेत्र पंचायत में आप क्या काम किए कि आज ये जन सैलाब आपके साथ जुटा हुआ है, बताएंगे थोड़ा विवरण? सर, हमारा क्षेत्र आज 20-25 साल से वंचित था, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में या विकास के मामले में। हम लोगों के जनता ने 2016 में मौका दिया, उस समय से हम लोगों ने निरंतर काम किया, जिसमें हमें मात्र अवधि तो सर 5 साल का होता है, जिसमें मूलतः हम लोग को 3 साल मौका मिला, 2 साल लॉकडाउन में हम लोग परेशान रहे। आज सर जिस रोड पे, जिस सड़क पे आज खड़े हैं आप, वहाँ भट है ना, भर घुटना कादो रहता था बरसात में, महिला लोग को चलने में प्रॉब्लम होती थी। सारे सड़क अपने अथी से या विधायक निधि से कहीं से भी व्यवस्था करके हमने काम करवाया, जनता का जो भी आवाज उठा, समस्या उठा, उसको हल करने का काम किया हमने। आप जब यहाँ से दोबारा आप इस पंचायत से आपको जनता मुखिया बनाती है तो आपका अगला सोच क्या होगा काम करने का अपने पंचायत में? अगला सोच हमारा होगा सर, युवाओं का साथ रहेगा, युवाओं के प्रति रहेगा, जो युवा बेरोजगार रह रहे हैं उनके प्रति रहेगा। जो बहुत सारे युवा ऐसा है बेरोजगारी के कारण अपने किसी जॉब का फॉर्म नहीं भर पाते, उन लोगों पर भी विशेष ध्यान रहेगा। बच्चियों लोगों पर ध्यान रहेगा, जो शिक्षा के अभाव में लोग रह जा रही है उसको व्यवस्था दिया जाएगा ताकि उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके लोग। और जो भी अधूरा काम बाकी रह गया होगा पंचायत में, उसे हम 1-2 साल के अंतर में ही वादा करते हैं कि उसको पूरा कर देंगे। आप बताएंगे, अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम तो उदय कुमार देवांशु हुआ जी। आप ही सोलभ कुमारी के बारे में क्या कहना है आपको? सोलभ कुमारी के बारे में कहना है कि जो ये पंचायत का विकास कर दिए हैं और जो यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और जो सोलभ कुमारी पर इस जनता में जो यहाँ के दबंगों लोग जो शोषण कर रहे हैं, इसलिए जनता जन सैलाब गरीबों को देख करके उमड़ा है कि जो 5 साल में सोलभ कुमारी जो विकास कर दिखाया है वो किसी ने नहीं कर पाएगा, इसीलिए सोलभ कुमारी के साथ इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और जो ये विकास करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति, वो एकदम सही अंश के साथ करेंगे और गरीबों के साथ रहेंगे, यही मेरा कहना है। देखिए जन सैलाब है, इनका जो कार्य है, कार्य के प्रति लोग खुश है, खुश का ही वजह है कि आज लोग इनके जन सैलाब में उमड़े हुए हैं। और साथी है, मैं उनसे बात करूंगा। आप अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं अपने पंचायत के मुखिया से बहुत खुश हूँ। इसने जो 5 साल 15 साल में नहीं हुआ है ये 5 साल में कर दिखाए, और इनके कारनामा से हमारे सरतेलपा पंचायत के पूरे जनता खुश है और बेहतर बनाने के लिए इनका सहयोग कर रहा है। बताएंगे आप अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता हुआ, मैं सरतेलपा बाजार से हूँ जी। इनका काम जो है सराहनीय रहा है, विकास के मामले बहुत ज्यादा है जी जी, और गरीब पर भी प्रति बहुत ध्यान रखते हैं, गरीब में कभी कुछ घटना घटता है तो सहयोग करते रहते हैं बराबर। आज का विकास मतलब कहा जा सकता है बहुत अच्छा सराहनीय रहा है, इसी के वजह से हम सारे जनता
प्रधानमंत्री पंचायत का एकजुट होकर इनके भारी से भारी बहुत लोग जिताने का काम करेंगे। बताएंगे अपना नाम आप? आप ही शैला देवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ जानते हैं और सब कुछ बना दिए हैं, रोड भी बना दिए हैं, नली भी बना दिए हैं। नल जल आपके यहाँ चल रहा है? चल रहा है, सब चल रहा है, जो चाहते हैं सब बना दिए हैं। अच्छा, क्या फिर ये दोबारा बनेंगे तो आप लोगों को सपनों को पूरा कर पाएंगे काम के लिए? काम कर पाएंगे। क्या नाम हुआ आपको? नीलम सिन्हा जी। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जीती है, जीत गई तो सब काम करी है, सड़क बनाई, घर बनाई, खोली दी, इन जीती है तो सब काम करेगी। जब दोबारा जब जिताएंगे इनको तो क्या आप लोग को जो सोच है, जो काम चाहते हैं वो पूरा करेंगे? सारे लोगों का कहना है कि